बिहार की राजधानी पटना में भी 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जमकर उत्साह देखने को मिला। सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अन्य मार्ग स्थित अपने आवास पर झंडोत्तोलन किया और तस्वीरें हम आपको उसी की दिखा रहे हैं। सबसे पहले वहां पर मौजूद सेना की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया और फिर इसके बाद नीतीश कुमार ने झंडोत्तोलन किया। कारण यहाँ के छात्र डॉक्टर की पढ़ाई करने राज्य के बाहर जाया करते थे। डॉक्टर की कमी होने के कारण यहाँ के लोग इलाज के लिए भी राज्य के बाहर जाते थे। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया कि राज्य में मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ाई जाएगी। अब मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़कर 11 हो गई है और इसके अतिरिक्त 15 और नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, काम चल रहा है। इसके अतिरिक्त पटना मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल PMCH आप सब जानते ही हैं को 5,462 बेड की क्षमता वाले आधुनिक विश्व स्तरीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल बनाया जा रहा है। उसका एक हिस्सा पूरा हो गया है, बाकी हिस्सा काम हो रहा है, हम बराबर देखते रहते हैं। और उसके साथ कई मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी बेड की संख्या बढ़ाई गई है, कहीं कहीं हम लोगों ने 2,500 कर दिया है। कैंसर के रोगियों के इलाज के लिए टाटा मेमोरियल के सहयोग से मुजफ्फरपुर में आधुनिक कैंसर अस्पताल विकसित किया गया है। सभी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों में भी कैंसर रोगियों के प्रारंभिक जांच और इलाज की व्यवस्था की जा रही है। राज्य में सभी अस्पतालों में मरीजों एवं उनके परिजनों के खाने के लिए दीदी की रसोई शुरू की गई है। अब जिला अस्पतालों में साफ सफाई का कार्य भी जीविका दीदी के द्वारा कराने का निर्णय लिया गया है। मुझे याद है कि वर्ष 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में एम्स पटना बनाने की स्वीकृति दी गई। तो आप सब जानते ही हैं कि अब पूरी तरह संचालित है, जिसका लाभ बिहार के लोगों को मिल रहा है। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार। सेवा में है वास्तु विहार।